जी वर्चुअल एनवायरनमेंट हमारा एक्टिवेट हो गया है। ये हमारा माय वर्ल्ड के नाम से हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया था। उसके अंदर स्क्रिप्ट्स का फोल्डर है और उसके अंदर एक्टिवेट डॉट बैट हमने लगाया है, तो वो ओपन हो गया है। हम अपनी ऐप बना चुके थे, एक व्यू बना चुके थे हरा वर्ल्ड के नाम से, और फिर उस व्यू को हमने कॉल किया था टेंगो यूआरएल की मदद से, और फिर उस प्रोजेक्ट को चला कर देखा था। तो अब हम जहाँ पर थे वहीं चलते हैं। सबसे पहले हम अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में हम चले गए हैं, और यहाँ हम माय वर्ल्ड में जाते हैं और यहाँ देखते हैं कौन कौन से फोल्डर हैं। तो माय एनएस क्लर्क का फोल्डर है, फोल्डर में जाएंगे, डायरेक्टरी देखते हैं, तो यहाँ आपको मेंबर्स की एक ऐप नजर आ रही है। तो हमने PY माय टेनिस क्लब के अंदर है, पाइथन manage.py रन सर्वर, तो ये कमांड हमने चलानी है। पहले हम ओपन कर लेते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ कोड डॉट। तो ये क्या करेगा, हमारे रियल स्टूडियो कोड को ओपन कर देगा, और यहाँ सारी फाइल्स हमें नजर आएंगी जो लास्ट टाइम हमने क्रिएट की। और फिर मैं टर्मिनल में जाकर एक नया टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। इस टर्मिनल में हम कमांड लिख सकते हैं, तो जी हाँ, ये माय टेनिस क्लब में आ गया है, और यहाँ हमने कमांड लिखनी है पाइथन manage.py रन सर्वर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ पाइथन manage.py रन सर्वर। जी ये इस पोर्ट के ऊपर ओपन हो गया, तो कंट्रोल प्लस क्लिक दबाएंगे तो ये हमारे ओपन कर देगा। वो कह रहा है पेज नॉट फाउंड। जी यहाँ पर जाकर हमने मेंबर्स लिखना है, और ये हेलो वर्ल्ड आपको नजर आ रहा है, तो वो जो मेंबर्स की ऐप बनाई थी वो चल गई है और हेलो वर्ल्ड आपको नजर आ रहा है। अब हम आगे चलते हैं अपने इसी ट्यूटोरियल में, कि ये मेंबर्स इसने ओपन कर दिया। अब जेंगो एक्सरसाइज में हमसे पूछ रहा है इनसाइड द URLs.py फाइल देयर इज अ लिस्ट ऑफ पाथ ऑफ हाउ टू हैंडल द इनकमिंग रिक्वेस्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द लिस्ट, तो उस लिस्ट का नाम क्या है। तो हम सबमिट आंसर में जाते हैं, शो आंसर क्लिक करते हैं, तो उसका नाम है URL patterns। तो हम यहाँ लिख देते हैं URL patterns, और इस आंसर को सबमिट करते हैं, ये आंसर करेक्ट है। और फिर हम आगे जाते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। अब आता है हमारे पास जेंगो टेम्पलेट्स। जेंगो के इंट्रोडक्शन पेज पर हमने सीखा था कि हमारा रिजल्ट जो है वो HTML भी हो सकता है, और इसको क्रिएट किया जाए टेम्पलेट को। अब इस टेम्पलेट फोल्डर के अंदर हमने मेंबर्स का फोल्डर बनाया है, और उसमें एक HTML फाइल myfirst.html के नाम से क्रिएट कर देते हैं। तो मेंबर्स के अंदर टेम्पलेट्स का फोल्डर और उसके अंदर myfirst.html के नाम से हम क्रिएट कर देते हैं। तो ये हमारा मेंबर्स का फोल्डर है, और इस मेंबर्स के फोल्डर के अंदर हमें एक नया फोल्डर बनाना है, वो बनाना है मेंबर्स के अंदर। मेंबर्स में नया फोल्डर बनाते हैं टेम्पलेट्स के नाम से, और उस टेम्पलेट्स के अंदर हम एक नई फाइल बनाते हैं, और उस फाइल का नाम रख देते हैं myfirst.html। myfirst.html के नाम से एक फाइल बन गई, और इसके अंदर हम ये सारे का सारा टेक्स्ट कॉपी करते हैं, और उसको जाकर मैं यहाँ पर
कर देता मेंबर्स के अंदर टेम्पलेट्स, माय टेनिस क्लब, उसके अंदर मेंबर्स, मेंबर्स के अंदर टेम्पलेट्स और उसके अंदर माय फर्स्ट और टेस्ट टीम में। अब हम व्यूज को मॉडिफाई करते हैं और उस व्यू में जहां हमने हेलो वर्ल्ड भेजा था वहां माय फर्स्ट डॉट एच टी एम एल को कॉल करते हैं। तो हम जाते हैं अपने मेंबर्स के अंदर व्यूज डॉट पी वाई के अंदर, ये मेंबर्स है और ये व्यूज डॉट पी वाई है और यहाँ हमारा ये रिक्वेस्ट आ रही है, तो इसको हम इस कोड से रिप्लेस करते हैं कंट्रोल वी, और ये हमारा माई फर्स्ट डॉट एच टी एम एल के साथ रेंडर हो गया है और उसको हमने रिस्पॉन्स कर दिया। और चेन सेटिंग्स सेटिंग्स करते हैं टू बी एबल टू वर्क विद मोर कॉम्प्लिकेटेड स्टफ देन हेलो वर्ल्ड वी हैव टू टेल द जंगल दैट द न्यू ऐप इज क्रिएटेड, सो दिस इज डन इन द सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल इन द माई टेनिस क्लब फोल्डर, लुक अप द इंस्टॉल्ड एप्स लिस्टेड एंड एड द मेंबर्स ऐप लाइक दिस। तो यहाँ पर ऑलरेडी एप्स एडेड हैं और हमने मेंबर्स की ऐप ऐड की है यहाँ पर। हम जाते हैं माई टेनिस क्लब में सेटिंग्स डॉट पी वाई के अंदर, तो ये माई टेनिस क्लब है और माई टेनिस क्लब के अंदर सेटिंग्स डॉट पी वाई की फाइल, तो इसको हम जरा बंद कर लेते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं और मैं इसको सीडी बैक स्लैश करता हूँ और अब मैं यहाँ इसको ओपन करता हूँ कोड डॉट के साथ। जी ये सेटिंग्स डॉट पी वाई की फाइल है और इसमें ये अलाउड एप्स हैं, तो इंस्टॉल्ड एप्स में हमने आकर क्या ऐड करना है, जी मेंबर्स को ऐड कर देना है और मेंबर्स ऐड हो गया और इसको सेव कर देना है और सेव हो गया है और ये एक्स्ट्रा फाइल्स आ गई है मेरे ख्याल में, हमें इसको दोबारा सीडी माय टेनिस क्लब करना चाहिए और यहाँ को डॉट लिखना चाहिए ताकि ये हमारा सेटिंग्स डॉट पी वाई की फाइल तो हमारे पास है और वो माय टेनिस क्लब के अंदर है इस फोल्डर के अंदर, और यहाँ जाकर हमने मेंबर्स को ऐड कर दिया है, ये मेंबर्स नजर आ रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे जाके हम देखते हैं, अब हम ये कमांड रन करेंगे पाइथॉन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट, तो ये क्या करेगी, ये हमारा हम यहाँ जाते हैं और हमें यहाँ देखते हैं पाइथॉन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट, पाइथॉन मैनेज डॉट पी वाई जी ऑल अप्लाई, तो इसने ये सारी की सारी चेंजेस जो हैं ये अप्लाई कर दी हैं माइग्रेशंस जी कर दी है और इसको रन भी कर लिया, माइग्रेशंस भी अप्लाई कर ली और इसके बाद फिर हम माय पी वाई मैनेज माय सर्वर हमने स्टार्ट किया और फिर हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं, तो देखें इसने हमें एच टी एम एल पेज की आउटपुट दिखाई है, वेलकम टू माई फर्स्ट जैंगो प्रोजेक्ट।
तो ये टेम्पलेट्स के अंदर पड़ा है माय फर्स्ट डॉट एचटीएमएल। हम कहेंगे कि एचटीएमएल है, कैसे पता चलेगा? स्टाइल में जाता हूँ और यहाँ कलर रेड कर दे, सेव कर देता हूँ। और सेव करने के बाद यहाँ हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये आपको नजर आ रहा है, इसका कलर चेंज हो गया है। तो ये हमारा जेंगो का प्रोजेक्ट चल रहा है और हम यहाँ पर पहला वेब पेज बनाने में कामयाब हो गए। इंसर्ट द मिसिंग पार्ट्स टू राइट द जेंगो वेरिएबल इन द टेम्पलेट। तो वो कह रहा है कि मिसिंग पार्ट लिखे हैं जेंगो वेरिएबल्स के, तो यहाँ पर वो क्या था? वो ब्रैकेट्स थे, तो हम यहाँ लिख देते हैं कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट एंड और सबमिट आंसर, तो वो आंसर करेक्ट। आगे जाते हैं, आगे जाकर देखते हैं जेंगो मॉडल्स। अ जेंगो मॉडल इज अ टेबल इन योर डेटाबेस। जेंगो मॉडल क्या होता है? ये हमारा डेटाबेस के अंदर टेबल होता है। अप टिल नाउ इन दिस ट्यूटोरियल आउटपुट हैज बीन स्टैटिक डॉ डाटा फ्रॉम पाइथन और एचटीएमएल टेम्पलेट्स। अब तक हमने ये देखा कि जो आउटपुट है वो स्टैटिक डाटा जो है वो पाइथन और एचटीएमएल टेम्पलेट्स के साथ है। अब हम देखेंगे कि जांगो हमें अलाउ करता है कि हम डाटा के साथ कैसे काम कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू चेंज और अपलोड फाइल्स इन द प्रोसेस। इन जांगो डाटा इज क्रिएटेड इन ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड मॉडल्स एंड एक्चुअली टेबल्स इन द डाटाबेस। तो तो हमें मॉडल क्रिएट करने के लिए नेविगेट करना पड़ेगा मॉडल्स डॉट पी वाई के अंदर, और उसके अंदर मेंबर्स के फोल्डर के अंदर ओपन करके हमें एक मेंबर्स का टेबल क्रिएट करना पड़ेगा बाय मेंबर क्लास। तो ये आपके सामने है, हम जाते हैं मेंबर्स के अंदर मॉडल्स डॉट पी वाई में। तो ये हमारे मेंबर्स हैं, ये मॉडल्स डॉट पी वाई है और यहाँ पर मॉडल्स इंपोर्ट हुए हुए हैं। हम यहाँ पर एक नई क्लास ऐड करते थे जी, क्रिएट योर मॉडल्स हियर, लें जी क्लास मेंबर्स के नाम से ऐड हो गई और उसको हमने सेव कर दिया। और इसमें हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिया है, मेंबर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और उसका चार फील्ड है और उसकी मैक्सिमम लेंथ 255 करेक्टर्स हमने सेट किया। अब दिस फर्स्ट फील्ड फर्स्ट नेम इज अ टैक्स फील्ड एंड विल कंटेन द फर्स्ट नेम ऑफ द मेंबर, और जो सेकंड फील्ड है वो लास्ट नेम है और वो मेंबर का लास्ट नेम होगा। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के जो मैक्सिमम करेक्टर्स हैं वो 255 है। एसक्यूएल लाइट डेटाबेस, व्हेन वी क्रिएटेड अ जेंगो प्रोजेक्ट वी गॉट एन एम्प्टी एसक्यूएल लाइट डेटाबेस। एसक्यूएल लाइट एक डेटाबेस होती है जो हमारी खुद ब खुद बन जाती है जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर। इस एसक्यूएल लाइट डेटाबेस में हम टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, रोज क्रिएट कर सकते हैं। इट वॉज क्रिएटेड इन द माई टेनिस क्लब रूट फोल्डर एंड हैज द फाइल नेम db.sqlite3। तो ये माई टेनिस क्लब के रूट फोल्डर में होगी और फाइल का नाम होगा db.sqlite। बाय डिफॉल्ट द मॉडल्स क्रिएट इन जेंगो प्रोजेक्ट विल बी क्रिएटेड एज अ टेबल्स इन द डेटाबेस। तो जितने हम मॉडल्स क्रिएट करेंगे वो सारे के सारे डेटाबेस के टेबल्स बन जाएंगे। माइग्रेट। Now when we have described a model in models.file, we must run a command to actually create the tables in the database. तो हम नेविगेट करते हैं और फिर हम मेक माइग्रेशन मेंबर्स, तो हम इस कमांड को रन करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर जाकर। तो इस कमांड को मैं कॉपी कर लेता हूं जो कि है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन मेंबर्स। तो यहाँ आकर हम कंट्रोल सी करते हैं, ये ब्रेक कर देगा और मैं यहाँ कहता हूँ पी वाई मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस। और आगे फिर मेंबर्स जी, उसने माइग्रेशंस कंप्लीट कर दी हैं और एक इनिशियल डॉट पी फाइव फाइल बना दी है माइग्रेशंस की।
वो ये देखें इस माइग्रेशंस की फाइल में है और ये पहली हमारी माइग्रेशन बनी है और इस माइग्रेशन में देखें उसने एक टेबल बनाया है मेंबर के नाम से और उसके दो फील्ड हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एक उसने आईडी खुद ब खुद ऑटो जनरेटेड प्राइमरी की ऐड कर दी। तो ये हमारा ऐड हो गया है और आगे चलते हैं, आगे हम जाकर देखते हैं तो विच विल रिजल्ट द आउटपुट। उसने क्रिएट मेंबर मॉडल किया, हम देखें यहाँ पर तो उसने हमें ये आउटपुट दिखाई है क्रिएट मेंबर मॉडल। जी हाँ, अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पर डेंगो क्रिएट्स अ फाइल नेम डिस्क्राइब माइग्रेशन के फोल्डर के अंदर। इस फाइल को हमने जाकर देखा तो इसने एक क्लास माइग्रेशन के अंदर डिपेंडेंसी बनाई है क्रिएट मॉडल की नेम उसका मेंबर और तीन फील्ड ऐड किया, हम देख चुके हैं। एक बात देखने की आईडी में इसने ऑटो इंक्रीमेंट लगाया है। तो ऑटो इंक्रीमेंट का क्या मतलब है कि जेंगो इंसर्ट एन आईडी फील्ड फॉर योर टेबल व्हिच इज एन ऑटो इंक्रीमेंट नंबर, फर्स्ट रिकॉर्ड गेट द वैल्यू वन, सेकंड रिकॉर्ड गेट द सेकंड, और इसी तरह ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट नंबर क्रिएट करता जाएगा। The table is not created yet. You will have to run one more command, then Django will create and execute an SQL statement based on the content of the new file in migrations folder. तो हम ये migrate command run करते हैं और pymanage.pymigrate, तो मैं यहाँ जाता हूँ और pymanage.py जी हाँ उसने अप्लाई कर दी है वो जो माइग्रेशंस की फाइल बनी थी उसको एग्जीक्यूट कर दिया है। और ये देखें db.sqlite हमारे पास एक फाइल बनी हुई है और अब हम मेंबर्स का टेबल क्रिएट हो गया है। एज अ साइड नोट यू कैन व्यू द एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट वर एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द मेंशन अबव। All you have to do the run this command with the migration number. तो माइग्रेशन नंबर हमारा था 001 और उसके साथ हम SQL कमांड देख सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ pymanage.py sql migrate members 001, मैं यहाँ लिखता हूँ pymanage.py और फिर उसके बाद SQL migrate 001 members। तो ये 001 नहीं है, इसमें 30 है। जी हाँ, तो 30 है और इसका नाम है under 01 और अंडरस्कोर shell.py। तो इस कमांड को ये नहीं चला रहा, इसके शायद कोई हमें एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, वो हम बाद में देखेंगे, अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर वो दिखा रहा है कि ये क्वेरी उसने क्रिएट की है। अब हम टेस्ट करते हैं, वो यहाँ कह रहा है कि फ्रॉम जेंगो मॉडल हमने मॉडल के अंदर एक क्लास क्रिएट करनी है, तो वो है क्लास मेंबर और फिर उसकी मैक्सिमम लेंथ 100 सेट करनी। हम यहाँ कह सकते हैं क्लास मेंबर उसका नेम है और यहाँ पर वो क्या कह रहा है, फर्स्ट नेम क्रिएट करना है और फर्स्ट नेम का जो मैक्स लेंथ है वो 100 है। तो यहाँ फर्स्ट नेम में मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 100। जी सबमिट करते हैं, आंसर करेक्ट है। और अब हम चलते हैं अगले पेज पर। अब हमने डाटाबेस में ऐड रिकॉर्ड करने हैं,
तो मेंबर्स टेबल हैज बीन क्रिएटेड इन द प्रीवियस चैप्टर इज एम्प्टी. वी विल यूज अ पाइथन इंटरप्रेटर टू ऐड सम मेंबर्स टू इट. ओपन अ पाइथन शेल. हम ये कमांड लिखेंगे पी वाई मैनेज डॉट पी वाई शेल. तो मैं यहाँ लिखता हूँ पी वाई मैनेज डॉट पी वाई शेल. तो ये पाइथन कंसोल के ऊपर आ गया है और इस कंसोल के ऊपर हम बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं. तो हम यहाँ कहते हैं फ्रॉम मेंबर्स और मॉडल इंपोर्ट मेंबर. तो ये क्या करेगा, बॉटम आफ्टर द राइट द फॉलोइंग लाइन. अब फ्रॉम मेंबर्स डॉट मॉडल्स इंपोर्ट मेंबर. हम लिख लेते हैं यहाँ फ्रॉम मेंबर्स डॉट मॉडल्स इंपोर्ट मेंबर. तो जैसे हमने पैकेजेस इंपोर्ट किए थे पहले बना के, इस तरह से ये भी मेंबर क्लास को इंपोर्ट कर रहा है. तो हो गया मेंबर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल. तो हम यहाँ कहते हैं मेंबर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल. मेंबर्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल. ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल. जी हाँ, क्यूरी सेट वो कहता है खाली है, उसने खाली क्यूरी सेट हमें दिखा दिया है. क्यूरी सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम डाटाबेस. रीड मोर अबाउट क्यूरी सेट्स इन जेंगो क्यूरी सेट चैप्टर. अब हम ऐड करते हैं तो मैं मेंबर इज इक्वल टू मेंबर फर्स्ट नेम एमिल एंड द लास्ट नेम रेफरेंसी एंड मेंबर डॉट सेव कॉल करूंगा तो ये मेरा रिकॉर्ड सेव कर देगा. ये वैसे ही है, मेंबर का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के साथ और फिर उस वैल्यू को वो सेव कर देगा. हम बनाते हैं इसको. मैं कहता हूँ मेंबर इज इक्वल टू मेंबर और फिर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू अब्दुल और लास्ट नेम इज इक्वल टू सलाम और फिर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ. अब मैं कहता हूँ मेंबर डॉट सेव. ये सेव कर दिया. अब मैं क्यूरी सेट दोबारा लगाता हूँ मेंबर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल लिखता हूँ तो देखें इसने मुझे क्यूरी सेट में एक मेंबर रिटर्न किया. पहले क्यूरी सेट खाली था, अब उसमें एक ऑब्जेक्ट है पड़ा. तो ऑल डॉट वैल्यूज करूंगा तो ये मुझे क्यूरी सेट विद वैल्यूज दिखा देगा. तो मैं क्यूरी अपनी चेंज करता हूँ और मैं यहाँ ऑल डॉट वैल्यूज कर देता हूँ तो ये मुझे देखें आईडी 1 है, फर्स्ट नेम अब्दुल है और लास्ट नेम सलाम है. अब मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हैं, मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3, मेंबर 4, मेंबर 5 और मेंबर लिस्ट में हम सारे ऐड कर दें और उसके बाद हम फॉर एक्स इन मेंबर्स लिस्ट एक्स डॉट सेव कर दें. तो इस तरह से भी ये रिकॉर्ड हो जाएगा. तो करके देखते हैं जी. हम जाते हैं कमांड के ऊपर और मैं ये जाकर लिखता हूँ जी. ये था मेंबर और मैं इसको कह देता हूँ मेंबर 1 और फर्स्ट नेम अब्दुल और लास्ट नेम में कर देता हूँ राफे और ये सेव हो गया जी. अब मेंबर 2 ले लेते हैं और मेंबर 2 में हम कह देते हैं अब्दुल रहमान और ये भी हो गया. मेंबर 3 ले लेते हैं और मेंबर 3 में हम जाके अब्दुल और लास्ट नेम में जाके क्या कहते हैं उमर जी. अब्दुल्ला उमर हो गया. अब हम मेंबर 4 ले लेते हैं और मेंबर 4 में हम कह देते हैं तस्नीम और यहाँ कह देते हैं
फोर मेंबर्स हो गए, अब हम ग्रुप लगाते हैं फॉर एक्स। पहले मेंबर्स की लिस्ट बना लेते हैं, उसमें हम असाइन करते हैं मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3, मेंबर 4। हो गया, अब फॉर एक्स इन मेंबर्स और एक्स डॉट सेव। हाँ, इंडेंटेड ब्लॉक देना था तो ये स्पेस नहीं दी थी, मैं एक्स डॉट सेव कह देता हूँ। तो अनएक्सपेक्टेड फॉर एक्स इन मेंबर्स, और यहाँ मैं एक्स डॉट सेव कॉल कर लेता हूँ। जी, एक्स डॉट सेव हो गया। अब हम क्यूरी सेट को दोबारा चेक कर लेते हैं। वो हमारा था वैल्यू जी, ID 1 अब्दुल सलाम, 2 अब्दुल राफे, 3 अब्दुल रहमान, 4 अब्दुल्ला उमर, 5 तस्नीम कौसर, और ये हमारे 5 मेंबर्स जो हैं वो डाटाबेस में जाकर क्रिएट हो गए। आगे चलते हैं, जेंगो अपडेट डाटा, डाटा कैसे अपडेट करते हैं। तो हम एक्स में डाटा ले लेते हैं और फिर उस एक्स के फर्स्ट नेम को हम रिजल्ट दे देगा, तो उसको चेंज कर दें तो वो फिर उसको चेंज कर देगा। तो अब हम यहाँ जाते हैं और मैं यहाँ लिखता हूँ एक्स इज इक्वल टू मेंबर्स डॉट चेक्स डॉट कॉल, और इसमें कहता हूँ तीसरे वाला रिकॉर्ड दिखाओ। हम कहते हैं मेंबर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल एक्स में आ गया। अब एक्स डॉट फर्स्ट नेम कहते हैं तो ये अब्दुल्ला है, मैं कहता हूँ एक्स डॉट फर्स्ट नेम, एक्स डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू अब्दुल्ला। जी, ओके, हो गया, एक्स डॉट सेव कर देता हूँ। सेव हो गया, और अब मैं सारी क्वेरी गेट करके देख लेता हूँ। वैल्यूज तो आपको नजर आएगा, जहाँ पर अब्दुल्ला था अब्दुल्ला उमर, वो हो गया अब्दुल्ला जी उमर। ये आपको नजर आ रहा है रिकॉर्ड अब्दुल्ला जी उमर। हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं रिकॉर्ड्स जेंगो में, और वो हमने रिकॉर्ड चेंज करके देखा। आगे चलते हैं, डिलीट कर सकते हैं। डिलीट के लिए हम गेट करें और एक्स डॉट फर्स्ट नेम है और फिर हम एक्स डॉट डिलीट करें तो वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो उसके बाद क्यूरी करेंगे तो वो हमें रिजल्ट दे दे। जाते हैं और यहाँ पर जाकर मैं जी एक्स में मैं ले रहा हूँ 4 के बजाय 1। ओके,
अब मैं कहता हूँ एक्स डॉट फर्स्ट नेम, ये अब्दुल है और मैं एक्स डॉट डिलीट कॉल कर रहा हूँ। जी उसने एक मेंबर डिलीट कर दिया और अब मैं कहता हूँ एक्स मेंबर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल डॉट वैल्यूज, एंटर किया तो अब आप यहाँ देखें यहाँ पर आपको ID नंबर 2 नजर नहीं आ रही, ID नंबर 1 के बाद ID नंबर 3 है, ये ID 3 है और इससे पहले ID 1 है। ID 2 डिलीट हो चुकी है क्योंकि वो 0 इंडेक्स थी, तो हम जैंगो में रिकॉर्ड डिलीट भी कर सकते हैं। जी मॉडल को अपडेट कर सकते हैं, जी हाँ मॉडल को भी अपडेट कर सकते हैं। इंटरनेट थोड़ा स्लो हो गया है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। स्लो हो गया। चलिए आ जाएगा, ये जी आ गया अपडेट मॉडल है। तो यहाँ हमने फोन और ज्वाइन डेट ये दो फील्ड्स ऐड करने हैं जाकर, तो हम जाते हैं फोन और ज्वाइंट डेट ये दोनों के दोनों हम डालते हैं और अपने मॉडल के अंदर, तो ये हमारा टेनिस क्लब में मेंबर्स है और मेंबर्स के अंदर मॉडल्स डॉट पी वाई है और यहाँ ये फील्ड्स हैं हमारे, तो मैं यहाँ कह देता हूँ फोन इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड। ओके ये हो गया, फिर मैं देता हूँ ज्वाइंड डेट इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट डेट फील्ड। जी दो चीजें ऐड कर लें, इसको सेव कर देता हूँ, तो ये हमारा सेव हो गया और फिर हम जाते हैं पी वाई मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन मेंबर्स, तो मैं यहाँ जाता हूँ कंसोल में और यहाँ से एग्जिट लेता हूँ और उसके बाद मैं लिखता हूँ पी वाई मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस मेक माइग्रेशंस और मेंबर्स, मेक माइग्रेशंस और फिर उसके बाद मेंबर्स। तो नो चेंजेस डिटेक्टेड इन ऐप मेंबर्स, उसको तो कोई चेंजेस नहीं मिले। मॉडल्स और इसको नहीं मिलेंगे चेंजेस, तो सी करते हैं कुछ चेंजेस हुए हैं से, और यहाँ हम कहते हैं P1 में नो चेंजेस डायरेक्टेड मेंबर्स। तो नल इज इक्वल टू ट्रू ये ऐड कर देते हैं हम यहाँ पर, नल इज इक्वल टू ट्रू
स्टार्ट पी वाई और ये नल इज इक्वल टू ट्रू सेट कर दिया। ट्रू सेट करने के बाद हम इसको जी ऐड फील्ड डेट टू मेंबर और फोन टू मेंबर, ज्वाइन डेट भी ऐड हो गया और फील्ड भी ऐड हो गया, ये दोनों ऐड हो गए हमारे सक्सेसफुली। और फिर अब हम आगे चलते हैं और इसने ये दोनों ऐड कर दिए। आप करते हैं पी वाई मैनेज स्टार्ट पी वाई माइग्रेट, तो हम कहते हैं पी वाई मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट जी। तो सारी माइग्रेशन अप्लाई हो गई है, एक और माइग्रेशन के अंदर फाइल क्रिएट हो गई है, वो है मेंबर ज्वाइन मेंबर फोन डॉट पी वाई, और इसने दो फील्ड्स ऐड किए हैं। जी हाँ, रनिंग हो गया। अब इंसर्ट डाटा करें, उसमें जाते हैं और जाकर हम शेल में जाते हैं और वहाँ जाकर हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। पी वाई टर्मिनल पे आते हैं, पी वाई मैनेज डॉट पी वाई और शेल जी कंसोल पे आ गया। यहाँ कर हम लिखते हैं फॉर्म मेंबर्स इंपोर्ट तो मेंबर्स नहीं मिला, इसको फ्रॉम मेंबर्स डॉट मॉडल्स इंपोर्ट मेंबर जी, फ्रॉम मेंबर्स डॉट मॉडल्स इंपोर्ट मेंबर जी, मिल गया है मेंबर। और यहाँ हम कहते हैं मेंबर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल डॉट वैल्यूज जी, इसने वो सारे फील्ड्स हमें दिखा दिए हैं, लेकिन ज्वाइन डेट पे भी नन आ रहा है और फोन में भी नन आ रहा है, सारों के आगे ये नन नन ऐड हो गया है। तो अब हम वहां जाते हैं और उसके बाद एक मेंबर लेते हैं और उसका फोन चेंज करते हैं, ज्वाइन डेट चेंज करते हैं और उसको सेव करते हैं। तो यहाँ मैं कहता हूँ एक्स इज इक्वल टू मेंबर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल ऑफ 0 जी, 0 ले लेते हैं, एक्स में आ गया। और एक्स डॉट मैं कहता हूँ ऑन इज इक्वल टू 0092321636476 जी, कहता है ये सही नहीं है तो हम ये नंबर ले रहे थे। और एक्स डॉट ज्वाइंड डेट को कह देते हैं 2024 5 और 31, ले जी दे दिया। एक्स डॉट सेव कर देते हैं, हो गया। अब हम कहते हैं एक्स डॉट, अब हम कहते हैं मेंबर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल वैल्यूज ले जी, सारे आ गए। और पहला पहला देखें तो ये अब्दुल सलाम का फोन नंबर भी चेंज नजर आ रहा है और उसकी ज्वाइनिंग डेट भी हमें चेंज नजर आ रही है। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा आज का लेक्चर, और कल हम डिस्प्ले डाटा को करेंगे। सवाल है तो पूछ लो। सर जेनवो जो है ना इतना ज्यादा सही इतना समझ नहीं आया। अच्छा चलें, जो समझ नहीं आए वो सारी क्यूरीज आप मुझे व्हाट्सएप में भेजें, कल वाली क्लास में हम उसको मैनेज करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह जी अल्लाह हाफिज। हाफिज।